वहीं दूसरे हिस्से में एक चिड़ियाघर में एक छोटा पांडा भालू था। उसके साथ एक्सपेरिमेंट के चूहे की तरह व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो बात कर सकता था, लेकिन उसे ये सब मालूम नहीं था कि कोई उसे कैद करके रखा है। गुंडों ने देखा कि पांडा भालू उदास और अकेला है, इसीलिए उन्होंने उसे एक पांडा भालू की कठपुतली दी जिसके साथ वो एक दोस्त की तरह व्यवहार कर सकता था। एक दिन पांडा बेयर ने शीशे के माध्यम से देखा कि बाहर एक अलग ही दुनिया है, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग। पांडा भालू ने वेंट के माध्यम से भागने का फैसला किया और गार्ड उसे पकड़ भी नहीं सके। हालांकि उसे कठपुतली को अलविदा कहना पड़ा और एक वास्तविक परिवार की तलाश में वो भी निकल पड़ा।